जय हिंदू राष्ट्र। 500 वर्षों से अधिक समय के बाद राष्ट्र का गौरव वापस लौटा है। राष्ट्र यानी इस धरती के उत्तराधिकारी, जिनकी ये माँ है, जो इस मिट्टी से बने हैं, इसका अन्न जल लेकर तो म्लेच्छ भी बड़े होते हैं, मगर इस धरती से उनका जुड़ाव नहीं है। बौद्ध, जैन, आर्य समाजी, सनातन एवं सिख, ये 5 वर्ग हैं। अन्य वर्गों में अगर कोई अपने आप को इस धरती से जोड़ता है, इसे मातृभूमि मानता है, पितृभूमि मानता है, पुण्य भूमि मानता है, तो उसका भी स्वागत है। मगर जो नहीं मानता, उसे निश्चित रूप से वो अराष्ट्रीय व्यक्तित्व है, अराष्ट्रीय व्यक्ति है, उसका इस देश में बहुत देर तक दाना पानी नहीं होना चाहिए। राम जन्मभूमि, इसे 1992 में देश के प्रतापी सपूतों ने गुलामी का चिन्ह हटाया। बाबर एक आक्रमणकारी था। इस देश में पूज्य मातृभूमि के विभाजन के तुरंत बाद जिन अराष्ट्रीय मानसिकता के, जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, नेहरू बिल्कुल भी राष्ट्रीय मानसिकता का व्यक्ति नहीं था। इसे इससे भी तय किया जा सकता है कि नेहरू जिन दिनों में जेल में रहा है, उसके पढ़ने के लिए घर से किताबें गई हैं। उन किताबों की लिस्ट देख लीजिए, वो सारा यूरोपियन लिटरेचर, यूरोपियन किताबें हैं, भारत से संबंधित कुछ भी नहीं है। बल्कि अब तो इस तरह की बातें भी आई हैं कि ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ये सब काम है, ये काम भी जो अलीगढ़ स्कूल वाला, इसके बाप ने करी थी, या नेहरू का काम नहीं है, कुछ इस तरह की बातें भी अलीगढ़ स्कूल के हिस्टोरियंस कह रहे हैं। परमात्मा जाने सत्य क्या है। मगर उसने और गांधी ने देश का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद को बनाया, जिसने कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है, स्कूल का मुंह नहीं देखा था, मदरसे का मुल्ला, खिलाफत आंदोलन का काम करने वाला खिलाफती था, पक्का मुल्ला। और इसी किस्म के सारे बात के 4 और, यानी 5 शुरू के शिक्षा मंत्री, वो इसी तरह के थे, नूरुल अकबरा, नूरुल हसन इत्यादि, उन सब लोगों ने यही काम किया। और बाबर को ऐसे बताया है जैसे बाबर कोई अपने साथ अफगानिस्तान की तरफ से आया तो बहारें आ गईं और फूल खिल गए और इंद्रधनुष चमकने लगा और सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया। उसका इतिहास लिखते हुए ये चांडाल इतिहासकार, जो जिनसे इतिहास तैयार कराया, वो लिखते हैं कि बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली। आप कल्पना कर सकते हैं इसराइल में कि कोई व्यक्ति वहां किसी सड़क का नाम हिटलर के, हिमलर के, गोरिंग के, गोबेल्स के, किसी के नाम पर रख सके? हिटलर के नाम पर कोई स्टेडियम हो सकता है? मगर यहां पर ढेरों सारे ऐसे चिन्ह हैं जो गुलामी के हैं। औरंगजेब रोड हटा दी, बाबर रोड, अकबर रोड, तुगलक रोड, ये घोर चांडाल लोग हैं, सारे बुरे लोग हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को हर तरह से नष्ट करने की कोशिश की। शाहजहां रोड, सब कुछ इस तरह की चीजें आज भी हैं। मैं आपको इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं नई पीढ़ी को। ये जो राजपथ है ना, राष्ट्रपति भवन से लेकर सीधा, और जिसमें अब अंतिम छोर पर शहीद जो हुतात्मा सैनिक हैं, बलिदान हुए हैं देश के लिए, उनके स्मारक बना दिए गए हैं, उनके नाम हैं वहाँ पर। मुझे सौभाग्य मिला है वहाँ पुष्पार्चन करके श्रद्धांजलि देने का, और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा दी गई है। इस पूरे क्षेत्र में, दाएं बाएं के क्षेत्रों में, चौराहों पर ब्रिटिश पीरियड में विक्टोरिया के, जॉर्ज के, इन सब की मूर्तियां थी बड़ी बड़ी। आज भी होंगी वो मूर्तियां, राष्ट्रपति भवन के तहखानों में रख दी गई थी चौराहों पर, अभी भी कई जगह लगे हुए हैं इनकी मूर्तियां। ये सारी मूर्तियां हमने मुख्य स्थानों से हटा दी। अभी कुछ ही समय तो आया है, हुआ है राजनीतिक दृष्टि से बदलाव को, अन्यथा पूरी मानसिकता वही थी। वो फिराक का शेर है ना, सरजमीन हिंद पर अख्वाम आलम के फिराक, काफले आते गए, हिंदुस्तान बनता गया,
भारत की धरती पर दुनिया भर की कौमों के फिराक अपना मख्ता कहते हैं, काफले आते गए और हिंदुस्तान बन गया। ये एक धर्मशाला है, सराय है भटियारी की, जो मर्जी आए ठहर जाए, भटियारी उसके साथ खाने को तैयार, सोने को तैयार, वैसा हाल भारत का कर रखा था इनकम वक्तों ने। राष्ट्र के सपूतों का, राष्ट्र के उत्तराधिकारियों का, इस धरती के उत्तराधिकारियों का थोड़ा सा राज, थोड़ी सी बात उनकी सुनी जानी तो अब लगी है। सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव है इसके जड़ में, उसके कारण ये सब कुछ हुआ है। तो हमने ये सब हटा दिए, विक्टोरिया की मूर्ति हटाई, जॉर्ज की मूर्ति हटाई, सिक्के जॉर्ज के नाम पर विक्टोरिया के नाम पर बनते थे। आज भी चांदी के जो सिक्के मिलते हैं, गिन्नियां मिलती हैं, वो जॉर्ज और विक्टोरिया की हैं। अभी नए सिक्के बनते हैं, वो पुराने सिक्के तो बहुत थोड़े रह गए, नए सिक्के बनते हैं, मगर हमने हटाए। नोटों पर इनके ही चिन्ह, इनके फोटो छपती थी, वो सारी चीज हटा दी हमने। जब ये हटा दिया तो इन सड़कों के नाम कैसे रह सकते हैं? फिर दूसरे, सांस्कृतिक रूप से हमें पद्दलित करने के लिए हमारे माथों पर जो दाग लगाए गए थे, उनमें से एक ही तो भुगताया हमने। अभी भी ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद मतलब ये कैसे हो सकता है? कोई भी वाराणसी जाकर, काशी जाकर देखे, मस्जिद के जो अवशेष हैं उसमें बिल्कुल स्पष्ट मूर्तियां हैं, दीवारें बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये मंदिर की दीवारें, उन पर तीन गुंबद सुर्खी चूने के बना दिए गए, नीचे सारी पत्थर की दीवारें हैं, कोई भी चेक कर सकता है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर ईदगाह बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे, वो उनको कहा जाता था कि वो गलत पार्टी में सही नेता हैं। कहने वाले लोग सब वामपंथी और उनके मित्र मंडली के लोग थे, वो सही पार्टी में गलत नेता थे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहा हूं। उन्होंने अपने, जब वो प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कई लोगों को, ऐसे दुष्टों को आगे बढ़ाया। शहाबुद्दीन उनमें से एक था। शहाबुद्दीन आईएफएस था, उसको वहां से राजनीति में लाए। उसने स्वयं कहा है कि 4000 से अधिक ऐसे मंदिर हैं जिन पर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, और हजारों मिलेंगे। बल्कि प्रमुख जितनी मस्जिदें हैं, सारी की सारी मंदिरों को तोड़ के बनाई गई हैं। और इस पर अगर कोई मुल्ला ये कहे आपसे, या कोई आपसे इतिहासकार इस तरह का बांगड़ू ये कहे कि कब्जा की हुई जमीन पर अल्लाह नमाज कबूल नहीं करता, तो वो ससुरा मोतिया है, गधा है, अकल नहीं है उसको। हज जहां होता है, मक्का की मस्जिद, वो भी मंदिर है। 360 मूर्तियां तोड़ी गई थी वहां, मोहम्मद ने स्वयं तोड़ी हैं। ये हमेशा का इस्लामी चलन रहा है कि जहां जहां वो पहुंचते हैं, दूसरे संप्रदायों, दूसरे धर्म के लोगों के स्थानों को नष्ट करके और उन पर मस्जिद बनाते हैं, और नमाज वहां पढ़ने का उनका एक परंपरा है। इसी को एतराज हो, कोई न समझना चाहे, तो इस भारत के, यानी मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूँ, खंडित भारत की नहीं, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अपना भारत जिसमें सम्मिलित है, इसमें इस्लामियों का जो सबसे बड़ा कवि है वो इकबाल है। इकबाल का शिकवा और जवाब शिकवा पढ़ लीजिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा। सब पढ़ते रहे नाम पर तलवार उठाई, कहते किसने, ये इस किस्म की बातें उसमें बहुत ग्लोरीफाई किया गया है। इन तो ऐसे सारे चिन्हों को वापस तो लेना है, समाप्त तो करना है, और इसको करने के लिए एक आवश्यक चीज है कि पौरुषवान समाज बने। कल जुलूस निकालते हुए मुंबई के मीरा रोड पर, जुलूस की गाड़ियों पर मुल्ला पार्टी ने पथराव किया है, लाठियों से हमला किया है, और भी कई जगह ऐसा हुआ है। ऐसा कैसे है कि समाज रिटेलिएट नहीं कर रहा? आप जब बाहर निकलते हैं, यात्रा निकालते हैं, तो इस उत्साह में इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि आपके अगल बगल में अराष्ट्रीय तत्व हैं,
वो जो इस राष्ट्र के नहीं हैं, जो अपने आप को इस राष्ट्र का नहीं मानते, ये अलग बात कि वो कन्वर्टेड हम ही में से हैं, हमसे ही इस्लामियों ने, इस्लाम ने हमसे छीन लिया उनको, मगर हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं। सारी की सारी सुरक्षा की व्यवस्था हमने पुलिस के हाथ में, प्रशासन के हाथ में दे रखी, ये गलत बात है। समाज के पौरुष का कार्य है ये। ये जो कल घटना घटी है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कैसे हुई है? पौरुष के कारण तो हुई है, अन्यथा मुकदमा तो कितने समय से चल रहा था। 1992 में पौरुष ही तो प्रकट हुआ समाज का, जिनके पास कुछ नहीं था, जिनके पास सब्बल गेती फावड़ा नहीं था, वो समाज टूट पड़ा और उसने बाबरी मस्जिद ध्वस्त कर दी। कोई बाबरी ढांचा नहीं है वो। ये जो विवादित ढांचा अटल जी ने नाम दिया है, ये एक डरे हुए कायर हिंदू की, या अकारण सामने नहीं आना, पीछे हट जाना, पूछ दबा के बात करना, उस मानसिकता का है। नहीं, निश्चित रूप से वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद ही तोड़ी गई, और ऐसी हर मस्जिद को तोड़ना आवश्यक है। गुलामी के सारे चिन्ह जहां जहां हैं नष्ट किए जाने चाहिए। अगर नहीं नष्ट होंगे तो राष्ट्र का सूर्य कैसे तमतमाएगा, कैसे दीप्तमान होगा? ये तो करने का कार्य है। जब तक भारत के सारे इन विषयों को समाप्त नहीं करेंगे, इन उपद्रवों को नष्ट नहीं करेंगे, इन दुष्टताओं को समाप्त नहीं करेंगे, बात कैसे बनेगी? शेष भारत जो उसके हाथ काट दिए गए हैं, उनको हम वापस कैसे लेंगे? पहले औरंगाबाद को केवल संभाजी नगर करने से बात नहीं बनेगी। जिस मानसिकता ने संभाजी नगर को औरंगाबाद बनाया था, या हमारे क्षेत्र को औरंगाबाद बनाया था, और संभाजी नगर करने से क्या बनने वाला है? उस मानसिकता के वाहक लोगों को वापस घर लाना है, अपने पूर्वजों की पंगत में बैठाना है, अपने अंदर समोना है। शाहजहांपुर जिसने बनाया, आदिलाबाद जिसने नाम रखा, जहानाबाद जिसने नाम रखा, इन सबको बदलना तो पड़ेगा। केवल वही नहीं, उस मानसिकता को बदलना पड़ेगा, और वो तैयार हो सकते हैं, कोई कठिन बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी जानते हैं, उन्हें मालूम है कि वो कहाँ से निकले हैं और अपने पूर्वजों में आ सकते हैं, मगर इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। गुलामी का एक चिन्ह ये भी है कि हमारे बीच के 2011 की जो जनसंख्या जनगणना है, उसमें 14.6% इस देश में थे। 14.6% का मतलब 18-20 करोड़ तो बनता ही है, कुछ बढ़े ही होंगे। रोहिंग्या बहुत सारे घुसे आए, बांग्लादेशी बहुत सारे घुसे आए, तो इन सब की अगर घर वापसी नहीं होगी तो काम कैसे बनेगा? दृढ़ता से इस काम में लगना है, ये भी गुलामी का एक चिन्ह है। ऐसी सारी मस्जिदें जो मंदिरों पर तोड़ के बनाई गई हैं, उन सबको ध्वस्त करना ही पड़ेगा, अनिवार्यतः, इसका कोई विकल्प नहीं है। ये सब कर लेंगे उसके बाद लाहौर, कराची, बहावलपुर, कंधार, काबुल, ढाका, जैसौर, खुलना, इन सबको ये धावा यहीं नहीं रोक सकता। इंडोनेशिया, मलेशिया, ये भी सब हमारे क्षेत्र हैं, हमारे सांस्कृतिक लोग हैं, इन सबको वापस लेना होगा। इसको वापस लेने के लिए पहले घर मजबूत करना है। तो गुलामी के सारे चिन्ह, और गुलामी के चिन्हों में सबसे बड़ा चिन्ह वो समाज है जो हमसे छीन लिया गया। बाबरी मस्जिद या ज्ञानवापी मस्जिद या कृष्ण जन्मभूमि की पर बनी ईदगाह, ये बड़ा चिन्ह नहीं है। सबसे बड़ा चिन्ह है वो समाज जो हमसे तोड़ दिया गया, जो जिसकी संख्या आज 20 करोड़ है। इस समाज के लोगों को लगातार वापस लाइए। ऐसा कर लिया तो राष्ट्र जगमगाएगा, भारत माता जगत जननी के सिंहासन पर बैठी होगी, ये अनिवार्य कार्य है। आप सबको अशेष शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। आप मूर्ति पूजा मानते हो न मानते हो, मगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर हम सब का मान बिंदु है, हम सब के लिए गर्व का विषय है। अशेष बधाइयां, जय हिंदू राष्ट्र।